दिवाली स्पेशल में मैं लेकर आई हूँ होममेड डेरी मिल्क चॉकलेट। बहुत ही आसानी से बन जाती है और इस फेस्टिवल पर आप ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए। और आप मार्केट से ये अलग अलग चॉकलेट के मोल्ड आते हैं, ये लेके आइए और बहुत ही सारे शेप के अंदर आप इसे बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को पूरा देखकर ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो आइए हम बनाते हैं अपनी होममेड डेरी मिल्क चॉकलेट। होममेड चॉकलेट बनाने के लिए ये मैंने चॉकलेट मोल्ड लिए हैं, ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं और इनमें चॉकलेट बहुत ही आसानी से निकल जाती है। ये दो मैंने मोल्ड लिए हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें आइस क्यूब जो जिसके अंदर हम जमाते हैं आइस को, वो वाली ट्रे में भी हम अच्छे से चॉकलेट बना सकते हैं। तो बस इसको हमको थोड़ा घी से ग्रीस करना होगा। मैं इसमें भी आपको बना के दिखाऊंगी और इसमें भी। तो हम बनाते हैं अपनी होममेड चॉकलेट। इसके लिए ये एक बाउल लूंगी मैं और हम एक नाप रखेंगे, चाहे आप कटोरी कप कुछ भी लें, एक नाप से लेना। ये मैंने आधा कप इसके अंदर कोको पाउडर लिया है। और इसी नाप से मैंने ये आधा कप मिल्क पाउडर लिया। मिल्क पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमारी चॉकलेट बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसलिए ये मैंने आधा इसी नाप से लिया है, मैंने आधा कप मिल्क पाउडर। और आधा ही कप हम चीनी पाउडर लेंगे। ये आधा कप मैंने शुगर पाउडर लिया है, इसको मैंने छान लिया है। आप जब भी चीनी का यूज़ करें चॉकलेट बनाने में, पाउडर का भी उसको पहले छान लें, क्योंकि छोटे छोटे उसके अंदर दाने रह जाते हैं तो फिर हमारी चॉकलेट अच्छी सॉफ्ट नहीं बनती है। तो इसको मैंने छान लिया है। और ये एक चम्मच मैंने इसके अंदर ड्रिंकिंग चॉकलेट लिए। अब हम चॉकलेट बनाने के लिए कोई भी एक ऐसा बर्तन लेंगे, मोटे तले का और थोड़ा गहरे वाला, कोई भी आप भगोनी ले सकते हैं। और उसके अंदर हम एक गिलास पानी डालेंगे। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। और ये पाउडर अच्छे से हो गया है ये मिक्स। और मैंने ये अमूल का बटर लिया, ये सॉल्टेड बटर है। और अगर आपके पास इसमें बटर नहीं है तो आप डालडा घी ले सकते हैं, जो वनस्पति घी आता है वो यूज़ कर सकते हैं। बस इन दो चीज़ों से ही चॉकलेट बनती है। अब ये जो हमने एक गिलास पानी रखा था ये अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर एक कांच का बाउल रखेंगे और ये ऐसा रखेंगे कि हम ये अंदर वाले पानी से इसको टच नहीं होने देना है। अगर आपके पास ऐसा बाउल नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी रख सकते हैं, लेकिन पानी को बिल्कुल भी टच नहीं होने देना है। और हम आँच को मीडियम फ्लेम पर कर देते हैं। और ये जो बटर हमने लिया है आधा कप के करीब, ये 75 ग्राम के करीब बटर है, इसको हम मेल्ट करेंगे। अब ये बटर बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हमने ये जो पाउडर बनाया था और सबको मिक्स किया था, ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम। और हमको लगातार चलाते रहना है। अभी हमने गैस को बंद कर दिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बटर और मिक्स किया, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही हमारा जो बैटर है ये बहुत ज़्यादा थिक है, इसको हमको थोड़ा सा लिक्विड जैसा बनाना है। तो अभी हम थोड़ा सा और डालते हैं इसके अंदर। करीब 100 ग्राम बटर हमने इसके अंदर डाल दिया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब मैं इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए चॉकलेट एसेंस डालूंगी, थोड़ा सा, 2-3 बूंद। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास वनीला है तो आप वनीला भी डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अभी बन के बिल्कुल रेडी हो गया है और ये ऐसा रखना है हमको इसको। अब हमने गैस बंद कर दिया है। अब हम सबसे पहले ये वाली बनाएंगे, तो आप एक छोटा चम्मच ले लीजिए और इसमें हमको ऐसे हाथ से सेट करना है इसको। थोड़ा जल्दी जल्दी, ये ठंडा नहीं हो उससे पहले लगाना है हमको सारा।
थोड़ा मैं आपको इसमें भी जमा के बताती हूँ। ये मैंने थोड़ा घी से ग्रीस कर लिया था इसको अच्छे से, तो अब हम इसको थोड़ा डालेंगे आधा। और थोड़ी इसके अंदर भी बनाएंगे हम अच्छे से डिजाइनर, बहुत ही अच्छे से डिजाइन आएगी इसके अंदर। थोड़ा आप हाथ से कर लें तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया, ये देखिए आप, और ये वाला भी हमने कर लिया है। और ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसके आइस क्यूब वाली ट्रे के अंदर डाला था। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए डीप फ्रीजर के अंदर रख देते हैं और आधे घंटे बाद हम इसको निकालेंगे। आधा घंटा हो गया और ये अच्छे से सेट हो गई है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, ये देखिए आप, लग रही है ना बिल्कुल डेरी मिल्क, खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसको हम सारी को निकाल लेते हैं, मोल्ड में बहुत ही आसानी से निकल जाती है ये। और ये वाली भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए आप, और ये जो हमने आइस ट्रे में जमाई थी ये भी हम निकालते हैं। तो ये इसको हम थोड़ा सा जैसे हम बर्फ निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारी होममेड डेरी मिल्क चॉकलेट, और बिल्कुल टेस्ट भी वैसा ही है इसका। आप इस फेस्टिवल पर ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, और किसी को गिफ्ट देना हो, बच्चों का बर्थडे हो, तो भी आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपके पास चॉकलेट मोल्ड नहीं है, तो हमने जो आइस क्यूब वाली ट्रे के अंदर जो जमाई थी वो भी बहुत ही अच्छी बनी है, ये देखिए आप। रेसिपी पसंद आई तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।